विचारों की लड़ाई में तो मैं उनके साथ कहीं भी खड़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी कौम के किसी व्यक्ति पर इस तरह का अपराध किया जाएगा, गोली मारने की या किसी भी और तरह की बात की जाएगी, तो फिर हम साथ हैं और हम सबसे आगे मिलेंगे उस व्यक्ति जिसने ये जघन्य अपराध किया है। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी चलाते हैं, उनके साथ में हजारों युवा बताए जाते हैं, मूछों में अंटा देते हैं, हथियार लहराते हैं, वो छोटा राजनेता है, छोटी मानसिकता है, छोटी उसकी प्लानिंग है, छोटा ही उसका एक वो है प्लानिंग है। और बाबा साहब कहते हैं कि छोटा एम जो होता है वो क्राइम होता है। अगर आपका लक्ष्य छोटा है तो आप अपराधी हैं, छोटे लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, आप बड़े लक्ष्य के लिए काम करिए। ये ट्वीट करना, सोशल मीडिया पे देना, व्यक्त दुख व्यक्त करना, खुशी जाहिर करना, ये सब छोटी बातें हैं। आप बड़ी प्लानिंग में उनके साथ आइए, बड़ी प्लानिंग के साथ बैठिए। अगर आपके साथ समर्थक हैं और लाखों भीड़ आपके संग उसमें आ रही है, तो आप जाके बहन जी को घेरिए ना कि बहन जी या तो आप ऐसा करें वरना मैं अपने समर्थकों के साथ आपके यहाँ बैठूंगा। आखिर उन पर भी जो है हमला कर दिया गया, उनकी भीम आर्मी का क्या होगा? अब देखिए, हो सकता है कि वक्त या व्यक्ति हमेशा लाभ लश्कर के साथ नहीं चलता है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति अकेला भी जाता है, तो कोई ना कोई, और जहाँ पे हुआ है वो अपने गांव जा रहे होंगे, रास्ता है, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि वहाँ 100 आदमी या काफिले के साथ जा रहे हैं, 1, 2, 4, 6 व्यक्तियों के साथ जा रहे होंगे, 2 गाड़ियों के साथ जा रहे होंगे। और कहते हैं कि जागू से लागू बुरा होता है, यानी जो जगह होता है वो एक बार को सो सकता है, लेकिन जो लगा हुआ है ना कि मुझे इसे मारना है, वो हमेशा सर्च करता रहता है कि कब कहाँ कैसे टाइम मिलेगा लगाए। तो वो पीछे से लगे होंगे, जो भी है एक प्लानिंग होगी उनकी, उन्होंने किया उस अपराध को। कहते हैं कि ये शेर है, शेर बहुजनों का, लेकिन इस शेर को उसकी मांद में ही जो है अटैक किया गया है, इनके सहारनपुर में ही। देखिए, आप डिस्कवरी चैनल देखेंगे तो आप डिस्कवरी पर देखेंगे कि 100 जंगली कुत्ते इकट्ठे होकर कभी कभी शेर का भी शिकार कर लेते हैं, कभी कभी शेर का शिकार कर लेते हैं, शेर को परेशान कर देते हैं। लेकिन शेर शेर होता है, हमारे कौम का शेर है, वो भी एक हम उसका समर्थन करते हैं कौम के नाते। हमला कोई व्यक्ति अपने ऊपर इस तरह नहीं कराता है। जब जांच होगी, पुलिस जांच करे बिना तो मानेगी नहीं, जांच तो होगी। जब इतना बड़ा हुआ है तो क्या इस रिपोर्ट नहीं होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिपोर्ट हुई होगी, पुलिस जांच करेगी, कमेटी बैठेगी, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कह रहे कि योगी जी ने हमको ट्वीट नहीं किया, बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, ये किस देखते हैं उनकी मानसिकता? वो उनके समर्थकों की बात है। चंद्रशेखर का अगर बयान अगर चंद्रशेखर का बयान आया है तो ये बचकाना बयान है, मैं इस बयान से सहमत नहीं हूँ, बचकाना बयान है। लेकिन ये जो ट्वीट किए जा रहे हैं, ये उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे हैं। बहन जी के समर्थक और चंद्रशेखर के समर्थक दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे हैं। देखिए, अगर बात विचारधारा की आती है तो हमारे मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी कौम के किसी उभरते हुए राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता पर गोली चलने जैसी जघन्य अपराध किया जाएगा, तो हम सब एक हैं। और जैसे ही पता चलेगा कि ये जघन्य अपराध किसने किया है, इसमें कौन कौन शामिल थे, तो हम उसे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे उस व्यक्ति की गोली छू कर निकली, लेकिन हम उसके सर पे ऐसा माथा लगाएंगे कि सीधे यहाँ से निकलेगी, ख़त्म। क्योंकि हम बाबा साहब क्यों नहीं आई हैं? और बाबा साहब ने कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। वैसे आपकी बात से इतना तो सहमत हूँ कि हो सकता है, लेकिन अब उन्हें किसी ख्वाती की या किसी उसकी उसके वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो अब वो ऐसा काम नहीं करेंगे। पहले क्या कर दिया हो तो कर देते लेकिन अब उन्हें किस बात की चिंता है? अब तो वो एक बड़े संगठन के साथ जो ग्रुप बना हुआ है, 2024 की प्लानिंग हो रही है, उसमें उन तीनों अजीत सिंह के बेटे उनके साथ और अखिलेश जी के साथ समझौते में हैं, उनके साथ संगठन में हैं, तो अब उन्हें इस चीज़ की क्या जरूरत है? बहुजनों की उभरती राजनीति से चिड़न हो रही है इन्हें, मनुवादियों को। देखिए, एक सवाल आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लें, सफलता दुश्मनी पैदा करती है। और ये बात दो भाइयों, चार भाइयों जो एक माँ से पैदा होते हैं, एक ही सीने का दूध पीते हैं माँ का, उन पे भी लागू होती है कि उनमें अगर एक बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख के ज़्यादा अच्छी नौकरी पे लग जाए और दो वैसे ही रह जाएँ, तो उनमें भी चिड़न हो जाती है, उनमें भी दुश्मनी हो जाती है। तो ऑफकोर्स ये तो आराम से सोचा जाएगा कि जिन व्यक्तियों को उठने बैठने की आदमी, और सहारनपुर जैसे इलाके में, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आगरा तक और ये हमारा एटा और गाजियाबाद, नोएडा, ये तो बहुत अच्छे शक्तिशाली वो रहे हैं, लेकिन सहारनपुर आगे आप और जाएंगे तो वहाँ तो इलाका और भी ख़राब था, और वहाँ से एक व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, मूछों पे ताप देना, ये तो भाई साहब ये किसको बुरा नहीं लगेगा, ये हर किसी को बुरा लगेगा। लेकिन राजस्थान जाते हैं चंद्रशेखर जी, वहाँ जो राजपूत है बहुत मजबूत हैं हथियार से, धन बल से भी,
वहाँ तो आराम से सुरक्षित रहते हैं ये, इनके घर के पास में हमला इन पे जो करने का कुछ राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है। देखिए आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, हो सकता है कि राजनीतिक स्टंट हो, लेकिन जब तक किसी काम की या किसी बात की पूरी तरह पुष्टि ना हो जाए। अब जब ये स्टंट हुआ है, गोली चली है, फॉरेंसिक जांच होगी, रिपोर्ट होगी थाने में, FIR दर्ज होगी, उसकी जांच होगी, गोली कहाँ से आई, कौन सी पिस्टल की थी, कितने MM की थी और कहाँ से निकल के कहाँ गई, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर दे रहे हैं कि गोली यहाँ से निकली तो फिर सीट पर कैसे गई, छू के क्यों निकली, सीने में क्यों नहीं लगी। ये जो जाँच का विषय है ये पुलिस का विषय है, मंत्री कहें या कोई भी कहे, ये बचकाना है। कोई ट्वीट करे कोई ना करे, भाई किसी के चोट लगने पर मरने पर मैं शोक जताऊं या किसी के पर नहीं जताऊं तो ये मेरा अपना फैसला है, तुम मुझसे कैसे मनवाओगे कि उसके मरने पर आप शोक जताइए। नहीं मनाता भाई, अगर मेरा कोई करीबी, मेरे विचारों का करीबी, मेरा हमदम, मेरा दोस्त, आप जैसे पत्रकार बंधु, अगर किसी को कोई बात होती है तो मैं 10 बार कॉल करूंगा, भाई आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं। अगर मेरे किसी दुश्मन को चोट लगेगी तो मैं खुश होऊंगा कि साला पहले मर जाना चाहिए था। ये जो बहुजनों के नेता हैं, दलितों के जो नेता हैं, ये सब बहन को टारगेट बनाते हैं, आखिर उनके बिना इनकी राजनीति नहीं चलती क्या? देखिए ये जब राजनीति आती है तो राजनीति में ये सारी चीज़ें चलती हैं। राजनीति में इसलिए चलती हैं कि अगर कोई किसी को घास नहीं डालता तो फिर उस पर प्रत्यारोप किए जाते हैं। अगर इन्हीं को बहन जी कह दें कि हाँ मेरे साथ आ जाइए, बैठ के चाय पिए तो सब कीजिए, जाएंगे ये सब कीजिए, नहीं मेरे पहले मेरी पूरा बात होने दिए, तो इनको कोई बात नहीं रहेगी। जब उनको नहीं बुलाया जाएगा तो इस तरीके की बातें होंगी, ये लाजमी है, ये मानव की, ये प्रकृति की नेचर है। देखिए राजनीति में कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, आप एक बात समझ लीजिए, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। ये तो साहब काशीराम जी ने भी कहा था, वक्त आने पे एक साहब काशीराम जी ने कहा था कि मैं कितने बड़ा दुश्मन है और अगर मैं राजा बनना हो, मेरी बात बनने की आएगी तो मैं उस राजा से समर्थन ले सकता हूँ, उसको अपना दोस्त बना सकता हूँ कुछ समय के लिए, उन्होंने किया भी। तो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। आज जिसने गोली चलाई है या कल को पता भी चलता है कि चंद्रशेखर किसने गोली चलाई है, कल को चंद्रशेखर के किसी फंक्शन में या उसके फंक्शन में चंद्रशेखर जाके या कोई और जाके विपक्ष के साथ खाना खा रहे होते हैं पार्टियों में, तो यहाँ सिर्फ विचारों की राजनीति होती है, विचारों के दुश्मन होते हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम बकवास है, जो शासन बहन जी ने अपने शासन में चलाया उससे अच्छा शासन अभी तक आज़ादी के बाद आपको देखने को नहीं मिला होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस समय में पैदा हैं और नौजवान हैं, आप पीछे शासनों की परिचय उठाइए, उनको देखिए कि किसका शासन कैसा रहा है, और मुझे लगता है कि आप 40 साल अभी और आगे भी देखेंगे, यानी कि 8 पंचवर्षीय योजनाएं आप 8 मुख्यमंत्रियों को या प्रधानमंत्रियों को और देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आने वाले भविष्य में भी ऐसा मुख्यमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। मिल सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत मुश्किल है, आसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उस समय लॉ एंड ऑर्डर था वो इतना स्टिक था, इतना सख्त था कि चोर डाकू ये जो छुटमुहिए थे तो वैली जा चुके थे, अब तो गुंडागर्दी खुलेआम है, अब तो लोग पीटते हैं उसकी वीडियो और बनाते हैं स्पेशल में, वीडियो बना के उसे डालते हैं और फिर भी उन पर कोई कानूनी शिकंजा नहीं होता है। भारत जातियों का देश है और जो आज देश में जाति की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते। धर्म की राजनीति से आ सकते हैं लेकिन जाति की राजनीति से कभी नहीं आ सकते। इस देश में कोई भी एक जाति शासक नहीं बन सकती। जब तक मान्यवर काशीराम थे उन्होंने विभिन्न जातियों को जोड़ के एक बहुजन समाज बनाया था, तो बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। आज बहन जी के पास या किसी अन्य के पास, चंद्रशेखर के भी पास या उदित राज जी के भी पास, एक या दो जाति के अलावा और उसी जाति, मतलब एक वर्ग जो SC वर्ग है, चाहे ST वर्ग है, चाहे OBC वर्ग है, उन जातियों में भी, वर्गों में भी अलग अलग जातियां हैं। उन जातियों के सबके अपने नेता पैदा हो गए हैं, उनके अपनी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सामाजिक इच्छाएं उनकी नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर उनकी सामाजिक इच्छाएं होंगी तो वो किसी को भी समर्थन दे सकते हैं, अभी मैं नहीं बन रहा हूं, तुम बन सकते तो मैं समर्थन देता हूं। लेकिन उनकी अपनी है कि नहीं मैं ही बनूंगा, अगर मैं नहीं बनूंगा तो किसी को भी नहीं बनने दूंगा या तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। तो उसी वेस पर आज राजनीति चल रही है, जाति पर राजनीति चल रही है कि मैं बना तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे को, अपने ही भाई को, अपनी ही उपजाति के व्यक्ति को राजनीति में सफल या कुछ पहुंचने में वहां तक नहीं पहुंचने दूंगा। सर जो बहुजन लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, इनके जो गलत कर रही हैं, लेकिन जो भीम आर्मी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, बहन जी का भाई गुजर जब ट्वीट नहीं किया, उनकी मदर गुजर जब ट्वीट नहीं किया और उनके पिता गुजर जब ट्वीट नहीं किया, ये कितने दुख दर्द में जाते हैं बहन जी के, जो आज उनसे मतलब कह रहे हैं कि हमें ट्वीट नहीं किया। देखिए जब समस्या बहुत बड़ी हो तो ये समस्याएं बहुत छोटी हैं, और जो इन छोटी समस्याओं पर ध्यान देता है वो एक अच्छा राजनेता नहीं हो सकता। देखिए जब घर बड़ा होता है
जब घर के 10 छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, एक भाई दूसरे को बड़ा प्यार करता है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं उन्हीं भाइयों में जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो इतनी दुश्मनी पैदा हो जाती है कि एक भाई दूसरे के शादी समारोह में दुख मरने गिरने में नहीं जाता है। तो एक परिवार है, और जब परिवार में हमारी संख्या जब आप 85% बता रहे हैं और 85% में भी एक कम्युनिटी पे आएँ, मायावती की और चंद्रशेखर जी की पे, यानी जाटव और चमार पे आएँ, तो वो आज देश में सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा है तो टूटेंगे भी, बिखरेंगे भी, बहुत सारे घर भी बनेंगे, क्योंकि जनसंख्या ही ज़्यादा है, इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं। मनुवादी पार्टियाँ खुश हो रही हैं कि बहुजनों में फूट पड़ गई है, आपस में वोट बिखर गया है इनका। कोई फूट नहीं पड़ी है। जिस दिन बहुजन लोगों को लगेगा कि हमारा नेता हमें मिल गया है, हमें उस पर विश्वास है, वो एक हो जाएंगे और एक तरफा वोट होंगे। जितने से फूट पड़ रही है आपस में इनमें, देखिए ये तो वक्त और परिस्थिति बनाती है, कभी भी ये ऐसा जो माहौल बनता है वो परिस्थिति के अनुसार बनता है। चंद्रशेखर भी निकले तो परिस्थिति से बने, परिस्थिति ऐसी बनी और अचानक से निकल गए, वो पैदा तो हुए नहीं थे भाई, कम से कम 20 साल के युवक या 25 साल के युवक थे उस वक्त, यानी कि ऐसी परिस्थिति बनी कि वहाँ से एक नेता निकला। ऐसी बहन जी का, ये तो परिस्थितियाँ बनाती हैं। हो सकता है कि कल को ऐसी परिस्थिति बने, कोई हमारा एक नया नेता और निकले, जो बहन जी पे भी आज समाज बहन जी पे विश्वास नहीं करेगा, चंद्रशेखर पे नहीं करेगा, उस पे करेगा, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ये परिस्थितियाँ होती हैं, और अभी मैदान खाली है, और इस खाली मैदान में अभी कोई दूर दूर तक है नहीं, और जिस दिन होगा या जिस पे विश्वास करेगा समाज, उस दिन वो निकल के आएगा, वो राजा बनेगा, सब कुछ होगा। हाँ, वक्त की परिस्थितियाँ होती हैं, और वही बात जो मैंने पहले दोहराई थी कि कभी कभी गीदड़ भी मिलके, कुत्ते भी मिलकर के अकेला जब शेर को पाते हैं तो उसे घेर लेते हैं, वो समय की परिस्थिति होती है। तो ऐसी ही परिस्थिति हमारे नेताओं के साथ चल रही है, पता नहीं क्यों उनकी विचारधाराओं में लोग विश्वास हटने लगा है। मैं दोनों को अपना नेता मानता हूं, लेकिन मेरा दोनों की विचारधाराओं से विश्वास हटने लगा है, क्योंकि जो विश्वास काशीराम जी की विचारधारा में था उनमें नहीं है। पता होगा, मालूम है, गई थी, याद है, लेकिन सपोर्ट तो कर दिए इसको। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं चंद्र, ये पर्टिकुलर एक चंद्रशेखर जी के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। समाज के लोगों का बहन जी से, और जो बहन जी के चाहने वाले हैं उनका चंद्रशेखर से, और जो चंद्रशेखर के चाहने वाला उनका बहन जी से थोड़ा सा मतभेद विश्वास उठ गया है नीतियों के कारण। बाकी बात ऐसी है कि अगर चंद्रशेखर पर हमला होगा तो सारे चाहे बहन जी के समर्थक हों वो भी उसके साथ जाएंगे, और बहन जी पे कुछ होता है तो चंद्रशेखर के भी सारे समर्थक वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ये फिर कौम का मामला बनता है। अच्छा, अभी राजनीति का मामला। रविदास मंदिर वाले मामले में जब ये वहाँ गए थे रविदास मंदिर के पास में अपनी पूरी पलटन लेकर के चंद्रशेखर जी, छाण में लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, जेल गए, वो बचकाना, कितने को घर जाते हैं ये, वो बचकाना हरकत थी उनकी, वो छोटी सोच थी उनकी। और चल रहे हैं युवकों पर, देखिए युवकों को मुकदमों से बचने के लिए ऐसी राजनीति से बचना होगा, वरना ऐसे हुजूम तो चलते रहेंगे। ये नौजवानों की पार्टी है, ये लड़कों की पार्टी है, ये लड़कों का संगठन है, और लड़के शब्द जो बनता है वो लड़के, यानी लड़के, वो चलते हुए भी उस सड़क के पत्थर जो पड़ा रहता है उससे भी लड़के चलते हैं, उसमें भी ठोकर मारते चलते हैं, उनकी उम्र ऐसी है, उनका मिजाज ऐसा है, तो उनका क्रम लड़के चले जाएंगे ऐसे करके। धीरे 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 मैच्योर होंगे, एक साथ बुद्धि या एक साथ जवान कोई नहीं होता है, धीरे धीरे राजनीति में ठोकर खाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, तब जाके तब के अच्छे नेता बनेंगे। अभी तो उनको पहली क्लास पढ़ने तो दीजिए, पहली क्लास का एग्जाम तो देने दीजिए, अभी से आप पहली क्लास में ही आप सभी को कह रहे हैं कि नहीं दसवीं कैसे करेंगे। भविष्य में हो सकता है कि मायावती से अच्छे साबित हो जाएं, और हो सकता है कि साल दो साल में ही ख़त्म हो जाएं, ये उनके अपने चलने की स्पीड और उनकी अपनी नीतियों पर निर्भर करता है। हम अभी से किसी की ये प्लान भविष्य का नहीं बता सकते, या ये नहीं कह सकते भविष्यवाणी में कि कौन कितना ऊपर जाएगा और कौन कैसा साबित होगा राजनीति में, ये तो अभी चलने का सफ़र है। धीरे धीरे सभी अच्छे नेता बन जाएंगे, अभी थोड़ा बढ़ने दीजिए और अच्छा लगेगा सभी को।